कैसे? कैसे फटाफट से बताओ को कंस्ट्रक्टेड इन इंटरक्शन अदर मोर नॉलेजेबल अदर एम के ओ इसकी बात वाइगॉस की करते हैं प्याजे नहीं करते तो ये तो हट गया ऑप्शन आप विजिबल बिहेवियरल चेंज व्यवहार में परिवर्तन इसकी बात बिहेवरिस्टिक लोग करते हैं जो आपके सिलेबस में नहीं है सीटेट के लेवल पर By the child than being from the एक्टिव है नाइनटी नाइन पेडोलॉजिकल क्वेश्चन सही हो जाएंगे जहां आप बच्चे को एक्टिव रख रहे हैं तो बच्चा एक्टिव है इनेट एंड गिवन रेदर देन एक्वायर्ड थ्रू इंटरक्शन बच्चे कोई कहीं से भगवान जी भर देते हैं एक कैप्सूल देते हैं हम जब वो पैदा होता है और उससे सारी नॉलेज उसके अंदर जैसे वो मेमोरी कार्ड नहीं आता था पहले चिप बोलते थे जिसको है ना या पेन पेनड्राइव उसमें जैसे गाने भर सकते हो आप वैसे ही दिमाग में भी भर दोगे ज्ञान और सब कुछ ऐसा नहीं होता कि आज ये कह रहे हैं ज्ञान निर्मित किया जाता है बच्चा सृजित कर रहा है दुनिया में एक्टिविटी करके एक पेन भी मिलता है उसको खोल के तोड़ के जान के क्यूरियोसिटी बहुत सारे सवाल पूछ के तब वो ज्ञान का सृजन करता है ना कि कोई उसके दिमाग में भर देता है अंत आंतरिक नहीं है जन्मजात नहीं है ज्ञान कोई कि इतने परसेंट मेमोरी के साथ आया था कि इसमें चार गाने पहले से थे दो आपने भर दिए वो वाला सीन नहीं है बच्चा एक्टिवली नॉलेज को ना कि कोई पैसिविली उसके दिमाग में नहीं भरेगा ज्ञान का सृजन करेगा एक्टिविटी एक और क्वेश्चन है फट सॉल्व कीजिएगा बच्ची है जो आलू के चिप्स को ऐसे पकड़ती है वो पोटैटो चिप्स आते हैं लेज एवर जो भी आप खाते हो ना ही खाएं तो अच्छा है कम खाएं ठीक तो उसको बटरफ्लाई के जैसा लगता भी है कोई कोई चिप्स देखने में तो पोटेटो चिपको वो कहती है देखो देखो ये बटरफ्लाई है है है। ना ये तो एक तितली के के जैसा जीन जीन अनुसार इस प्रकार का प्रतीकात्मक विचार किसकी विशेषता है कौन सी स्टेज में आता है फटाफट से बताओ सेंसरी मोटर जन्म से दो वर्ष में सिंबॉलिक स्टेज तो नहीं है ये है? प्री ऑपरेशनल में हमें क्या पता बताओ खुद से ठीक फटाफट से बताओ कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में सात से ग्यारह में या फिर फॉर्मल ऑपरेशनल ग्यारह से पंद्रह में ये चार स्टेजेस मोटर प्री ऑपरेशनल कॉन्क्रीट और फॉर्मल ठीक है जी सिक्सटी फाइव परसेंट लोग सही जवाब दे रहे हैं पूर्व संक्रियात्मक चरण और इसका भी अगर मैं पूछूं अभी क्वेश्चन का जवाब आपको पहले से मिल जाएगा इसके भी दो चरण होते हैं उन दो चरणों में से कहां आएगा इसकी दो सब स्टेजेस हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज की ये जो सेकेंड स्टेज है होती तो पहली स्टेज की भी सब स्टेजेस हैं बट वो आपके काम की नहीं है इससे क्वेश्चन पूछा जा चुका है तो जानना जरूरी है है ना प्री ऑपरेशनल स्टेज की दो सब स्टेजेस हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जिसमें सिंबल्स डेवलप हो रहे हैं में बच्चा निर्जीव को सजीव समझेगा एंड ऑल ये जो सेकेंड स्टेज है इसकी दो सब स्टेजेस हैं इसकी दो छोटी छोटी स्टेजेस हैं एक है प्री कॉन्सेप्चुअल स्टेज पूर्व संप्रत्यात्मक दो से चार वर्ष और दूसरी है इंट्यूटिव स्टेज सहजात्मक अवस्था चार से सात वर्ष कौन इन दोनों में से किस स्टेज में सिंबॉलिक थॉट आता है कोई बताना पसंद करेगा सिंबल्स कौन सी स्टेज में आ जाएंगे मन कर रहा है किसी का चक्कर वक्कर तो नहीं आ रहे फटाफट से बताओ सागर कोई बात नहीं जो आप दो फटाफट हाँ सब तुक्का लगा रहे हैं कोई कुछ कह रहा है कोई कुछ कह रहा है चलो देखते हैं अभी ये क्वेश्चन का जवाब आगे मिलेगा एक क्वेश्चन है मैंने प्रॉपर डाला हुआ है तो आपको समझ आ जाएगा अभी आप तुक्के लगाओ

इसका जवाब मैं दूंगी अभी आएगा क्वेश्चन कौन सी स्टेज में होती है चीज क्वेश्चन नंबर टेन देखिएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू यानी कौन सी एक बात सही नहीं है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग थियोरीज रचनावादी शिक्षण सिद्धांतों के बारे में कौन सी एक बात सत्य नहीं है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग थियोरीज रचनावादी शिक्षण रचनावादी में पियाजे भी आते हैं वाइगोस्की भी आते हैं जो रचनावादी कौन लोग जो कहें ज्ञान की रचना की जा सकती है एक्टिवली बच्चा एक्टिविटी करके सीख सकता है दोनों कहते हैं प्याजे भी वाइगॉस की भी प्याजे रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट है वो कहते हैं इंडिपेंडेंट एक्टिविटी हेरिडिटी जेनेटिक्स ये इंपॉर्टेंट है और वाइगॉस की कह रहे हैं सोसाइटी और कल्चर इंपॉर्टेंट है ठीक है ना पूछा है कौन सी बात गलत है जहां बच्चा एक्टिव नहीं है वही बात गलत है लर्नर्स बिल्ड देयर ओन नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग शिक्षार्थी अपना ज्ञान और समझ स्वयं बनाते हैं सही है बच्चा एक्टिव है जो जहां बच्चा एक्टिव है वो तो सही है न्यू इंफॉर्मेशन इज क्रिएटेड फ्रॉम प्रायर नॉलेज नया ज्ञान ज्ञान पूर्व ज्यान के आधार पर बनता है बिल्कुल सही है मैं कुछ आज नया सीख रही हूं ओल्ड तो नॉलेज तो से प्रीवियस नॉलेज से ही तो पूर्व ज्ञान से नए ज्ञान को जोड़ते हैं नोन टू अनोन जाते हैं ना ज्ञात से अज्ञात की ओर द रोल ऑफ द टीचर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन द होल प्रोसेस पूरी प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका महत्वपूर्ण होती है हाँ ये तो नहीं कहा रचनावादियों ने कि टीचर है ही नहीं फैसिलिटेटर है है ना सुविधा प्रदान करने वाला है जहां जरूरत है टीचर है वहां पे जैसे एक माली की जरूरत होती है पौधे को वैसे टीचर की जरूरत है बच्चे को लर्निंग इज एन एक्टिव एंड डायनेमिक प्रोसेस यानी लर्निंग क्या है एक एक एक्टिव और डायनेमिक प्रोसेस है 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 सीखना सक्रिय एवं गतिशील प्रक्रिया है। ये बात भी सही देखिए टीचर की भूमिका महत्वपूर्ण है ये बात सही है लेकिन द रोल ऑफ द टीचर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन द होल प्रोसेस बच्चे का एक्टिव होना ज्यादा इंपॉर्टेंट है टीचर का फैसिलिटेट करना इंपॉर्टेंट है है ना टीचर का फैसिलिटेटर होना इंपॉर्टेंट है ऐसा नहीं है दिमाग में टीचर ही भर देगा सब कुछ तो जो गलत है वही सही है क्योंकि पूछा ही गलत था चलिए खैर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्वेश्चन नंबर इलेवन देखिएगा और क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। चाइल्ड डेवलप्स लर्निंग थ्रू सिग्निफायर्स इन विच सब स्टेज ऑफ प्याजेज थियरी चक्कर वक्कर, वक्कर तो नहीं आ रहे सब ठीक बहुत बढ़िया 54 परसेंट लोग 20 54 परसेंट लोग फर्स्ट कह रहे हैं लिख देती हूँ मैं कहीं आप कल को मनाना कर दें कि नहीं हमने नहीं दिया था ये जवाब 27 परसेंट लोग जो हैं बी कह रहे हैं है ना बाकियों को तो काउंट क्या ही करें है ना वो तो 10 परसेंट नौ परसेंट ऐसी कहानी है देखना अब एक बार समझते हैं कुछ नहीं है बस एक शब्द घुमाया है और आपके सर में दर्द हो गया कि के सिद्धांत के किस उपचरण में नहीं 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 सब स्टेज भी तो है इसमें तो होना ही था बच्चा संकेतकों के माध्यम से संकेतों के माध्यम से सिग्निफायर्स यानी संकेत सिग्निफायर्स में क्या होगा सिंबल्स डी और क्या हो सकता है साइन राइट right जाना है है ना या किसी ने ऐसे ये कहा तो बच्चे को समझ आ जाता है हाँ ठीक है गुड बढ़िया है ना सिंबल्स आंखें दिखाई तो डर गया साइन ही तो है डर का कि आंखें दिखा रहा है कोई तो सिंबल्स और साइन के माध्यम से सीखने लगता है किस स्टेज में आपको पता है दो से सात वर्ष में सिग्निफायर्स या सिम्योटिक फंक्शन या सिम्बॉलिक थॉट बात बराबर ही है सेम ही बात है तो जब वो सीखने लगेगा सिग्निफायर्स के माध्यम से कौन सी स्टेज में सब स्टेज में कौन सी प्री ऑपरेशनल की प्री ऑपरेशनल की दो सब स्टेज बताई है मैंने आपको सिर्फ और अभी बता चुकी हूं तब भी आपने काफी गड़बड़ इसमें की दो सब स्टेजेस बताई थी वो दो सब स्टेजेस कौन सी थी एक थी प्री कॉन्सेप्चुअल दूसरी थी इंट्यूटिव तो आपको लेना देना ही नहीं है जब इंट्यूटिव दिया ही नहीं है तो बचा क्या ऑप्शन में प्री कॉन्सेप्चुअल इतनी रीजनिंग भी लगा लिया करो यार है प्री कॉन्सेप्चुअल स्टेज क्योंकि यहां इंट्यूटिव स्टेज है ही नहीं और आपको पता है सिंबॉलिक थॉट आता प्री ऑपरेशनल में ही है तो पूर्व संप्रत्यात्मक चरण दो से चार वर्ष में सिंबॉलिक थॉट आ जाता है बच्चे में यहीं पे वो जो है ईगो सेंट्रिक भी है अहम केंद्रित भी है निर्जीव को सजीव भी समझ रहा है है ना इंट्यूटिव अच्छा इंट्यूटिव स्टेज तो दिया हुआ था यार ऑप्शन में मुझे लगा मैं आप लोगों के साथ ज्यादा जागती कर रही हूँ दिया हुआ है सही बात है फिर तो कंफ्यूज होना बनता है है ना चार से सात वर्ष की अगर मैं बात करूं तो ये इंट्यूटिव स्टेज है इसमें ईगो सेंटर जो है वो कम होने लगता है, है ना बच्चों को लगता है कि उसको बहुत सारी चीजों का पता है कैसे पता है ये नहीं पता होता उसे क्यों क्योंकि इसी में वो ट्रांसडक्टिव रीजनिंग होती है जो इंट्यूटिव स्टेज है कि उसे वो रीजन करने की कोशिश कर रहा है कि दो अलग अलग चीजें अगर हो रही हैं जैसे बिजली कड़की और लाइट चली गई इलेक्ट्रिसिटी उसको लग रहा है ये इलेक्ट्रिसिटी गई है डर की वजह से क्योंकि बादल कड़क रहे हैं आवाज आ रही है

सेंसरी मोटर स्टेज हम करते नहीं है क्योंकि आपके सर में दर्द हो जाएगा जनरली टीचिंग में नहीं पूछा जाता है अगली बार से ये भी करने लगेंगे है ना तो अर्ली रिप्रेजेंटेशनल थॉट होता है कि सेंसरी मोटर स्टेज के अंत तक आते आते पहली बार बच्चा दिमाग में सिंबल्स बनाने लगता है अब आपके सर में दर्द हो जाएगा अगर ये बता दिया कि ये सिंबल्स दो से साथ में नहीं यहां भी बनने शुरू हो गए थे है ना कि वो फिंगर्स को यूज करके फोन की तरह करने लगेगा है ना तो ये क्या है ये सेंसरी मोटर के लास्ट में अठारह से चौबीस महीने में ये अर्ली रिप्रेजेंटेशनल थॉट आ जाता है ऐसी बता रही हूँ जरूरी नहीं है याद रखो रखोशरी सर्कुलर रिएक्शन है वो फोन फेंक के देखेगा क्या होगा है ना तो ये सब स्टेजेस हैं किसकी सेंसरी मोटर की ये दोनों हैं प्री ऑपरेशनल की ठीक है बात देखो इसको ऐसे देखते हैं अब uh, कुछ इंपॉर्टेंट सब स्टेजेस हैं इसकी तो मैंने आपको बता दी जो ये आपका प्री ऑपरेशनल है पूर्व संक्रियात्मक प्री कॉन्सेप्शुअल स्टेज इसी में सिग्निफायर्स या सिंबल्स के माध्यम से सीखना वो जानता है बच्चा इगो सेंट्रिक है इस स्टेज के अंत तक ईगो सेंट्रज कम होगा ट्रांसडक्टिव थॉट ट्रांसडक्टिव थॉट मतलब दो अनरिलेटेड इवेंट्स को एक साथ जोड़ देता है रीजनिंग की थोड़ी कमी है इंट्यूशन पे चलता है उसको लगता है सब पता है कैसे पता है ये नहीं पता उसे याद ही नहीं रहता है ना तो रीजनिंग क्योंकि ये लॉजिक से पहले की स्टेज है ऑपरेशन का मतलब है लॉजिक तो लॉजिक अभी प्रॉपर तो आया नहीं बच्चे में तर्क कॉन्क्रीट चीजों के प्रति भी बट वो कोशिश कर रहा है तर्क करने की ठीक है तो ये दो स्टेजेस हो गई सब स्टेजेस किसकी

फिर आ जाते हैं प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन या ग्रास्प करना आप बच्चे के हाथ में छोटे से बच्चे एक महीने का बच्चा होगा आपने ऐसे कुछ अपनी उंगली पकड़ाएंगे वैसे पकड़ लेगा तो वो ग्रास्पिंग का भी स्कीमा या रिफ्लेक्स कह लो आप उसको होता तो रिफ्लेक्स ही है वो उस पर आपका कंट्रोल नहीं होता तो वो होता है ब्रेन में फिर आता है एक से चार महीने के बीच में प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन तो बच्चा जैसे वो नहीं होता जो हम कहते हैं कि भाई बच्चा जो है थम सकेगा अंगूठा चूसना तो वो प्लेजरेबल एक्शन करता है तो प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन है एक से चार महीने के बीच फिर टर्शरी सर्कुलर रिएक्शन आता है बारह से अट्ठारह महीने के बीच कि वो एक्सपेरिमेंट के तौर पे कुछ फेंक के देखेगा कि देखता हूँ क्या होगा ये दूध की बोतल फेंक दी जान के ही वो अपने क्योंकि वो एक्सपेरिमेंट कर रहा है नन्हा है ना लिटिल साइंटिस्ट है आज कह रहे हैं लिटिल साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट करके सीखता है तो एक्सपेरिमेंट कर रहा है बॉटल नीचे गिरा के देखता हूँ देखता हूँ क्या होगा ऐसी टेडमेड चीजें वो करता है कोई बॉटल रखी हुई है कहीं कुछ देखेगा पकड़ के उसको क्या होगा तो ये बारह से अट्ठारह महीने में है ना इसके बीच में चार से आठ महीने में सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन है जिसमें वो इंटेंशनली कोई एक्शन रिपीट करेगा जिससे कि एक रिस्पॉन्स ट्रिगर हो यानी कोई चीज अगर आवाज आती है कुछ करने से तो वो रिपीट करेगा क्योंकि उसको अच्छा लगा वो खिलौने नहीं होते ऐसे हिला के खेलते हैं ये इस तरह के तो उसको पता है ऐसे आवाज करेगा ये अगर ऐसे करूंगा तो तो ये सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन है जो प्लेजरेबल एक्टिविटीज हैं सकिंग एंड ऑल वो प्राइमरी है और टर्शरी है जिसमें बच्चा इंटेंशनली कुछ एक्सपेरिमेंट के तौर पर ट्रायल एंड एर करके देख रहा है कि बॉटल गिराऊंगा तो दूध गिरेगा कि नहीं फिर इसके बाद आता है 18 से 24 महीने में वो जो अर्ली रिप्रेजेंटेशनल के पहली बार दिमाग में मेंटल में रिप्रेजेंटेशन या मेंटल मैप्स बनने लगते हैं बच्चे के 18 से 24 महीने डेढ़ से दो साल में तो वो उतने स्ट्रांग नहीं है इसलिए हम ये नहीं कहते कि सिम्बॉलिकॉट वहाँ आ जाता है लेकिन वो बनने शुरू हुए एक तरह से तो उसको अर्ली रिप्रेजेंटेशनल थाट कहते हैं जो इसकी नेक्स्ट स्टेज है ये अर्ली रिप्रेजेंटेशनल थाट वाली इतना आपको टेंशन नहीं है बट पता होगा तो अच्छा होगा कल को क्वेश्चन में से एटलीस्ट एलिमिनेट ही कर पाओगे क्वेश्चन नंबर ट्वेल्थ देखना पियाजेज थियरी ऑफ कॉगनेटिव डेवलपमेंट स्टेट्स दैट ईगो सेंटरिज्म डिक्रीजेज बाय पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में किस उम्र में किस उम्र या किस उम्र में बढ़ने के साथ अहम केंद्रता कम हो जाती है इगो सेंटरज्मो सेंटरिज्म क्या है कि बच्चा दूसरे के परस्पेक्टिव को नहीं समझ पाता खुद को सेंटर में रखता है सेल्फ सेंटर्ड है उसको लगता है जो चॉकलेट मुझे पसंद है पापा को भी पसंद होगी जो कार्टून मुझे पसंद है वो पापा को भी पसंद होना चाहिए है ना उसकी चलनी चाहिए आप कितना भी जरूरी काम कर रहे हैं और बच्चे का मन है कुछ खाने का तो वो आके रोएगा है ना आपकी जेब में पैसे नहीं आप बाजार गए हुए हैं बच्चा रो, रोड पे लेट लेट के रो सकता है बाजार में कि मुझे तो चाहिए खिलौना मुझे तो चाहिए ऐसे कैसे नहीं ऐसे कैसे नहीं तो ये चीज कम होने लगती है धीरे धीरे दूसरे का परस्पेक्टिव समझने लगता है किस स्टेज में सेवन ईयर्स ये बात आपकी सही है मैंने बताया भी था जो लास्ट स्टेज थी इंट्यूटिव स्टेज प्री कॉन्सेप्शन की उसके अंत तक आते आते अहम केंद्रितवाद कम हो जाता है ठीक है ना सात ईयर्स क्योंकि ये स्टेज खत्म होने वाली है ना अब फिर कॉन्क्रीट ऑपरेशनल आ जाएगी उसमें तो ईगो सेंटर्स में कम ही होता है तो सात साल की उम्र तक आते आते ये कम होने लगता है डिक्रीज होने लगता है